इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही इस कानून को मंजूरी दी है क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम 2020 कपटपूर्ण साधनों, लोभ लालच भय प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन जैसा काम करना, इसको अपराध माना है हमने इस कानून में। कड़ी सजा का प्रावधान किया है 10 वर्ष तक की, और जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है, विशेषकर बेटियों के साथ इस तरह की, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ लालच अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह की विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी का अधिकार भी इसमें दिया है। ये अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और सबूत का भार भी अभियुक्त को ही देना होगा। एक बहुत कड़ा कानून हमने बनाया है, पूरी कैबिनेट ने इसको देखा है। अब चूंकि हमको अध्यादेश के जरिए इसको करना है तो फिर से प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, आप सबकी जानकारी में, तो इसको करते हैं, अध्यादेश के जरिए करेंगे।